बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुकिंग विद मिंसा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं मिक्स फ्रूट की चाट। आप उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी फ्रूट ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 1 kg दही ले लिया है। इसमें अब हम 1 प्याली चीनी की भर के शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला चला जाएगा। आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए दही में और दही भी हमारा अच्छी तरह से फिट जाए। तो ये देखिए जी, चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें फ्रूट शामिल कर देंगे। तो ये मेरे पास है जी 2 कप है जी एप्पल के, इसको शामिल कर दें। आप चाहें तो इसका छिलका ना उतारें, मैंने उतारा हुआ है। और 2 कप इसमें बनाना चले जाएंगे। और ये मेरे पास है जी 1.5 कप है जी पपीते का, इसको शामिल कर दें। अब हम इसमें किशमिश शामिल कर देंगे, ये है मेरे पास 1/2 प्याली। और 1.5 कप ही है इसमें अमरूद का, ये भी डाल दें। अब तमाम चीज़ों को छोटा छोटा काट लें। और अब मैं इसमें खजूरें शामिल कर दूंगी काट के। और ये जो हमने दही मिक्स करके रखा हुआ था चीनी के साथ, इसको भी शामिल कर दें। तो अब हम इनको अच्छी तरह से दही और फ्रूट को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप मिक्स फ्रूट की चाट घर में रेडी कर सकते हैं। आप इस चाट को दही की जगह क्रीम में भी मिक्स कर लें तो उस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें दही शामिल किया है तो हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ी सी आप चाट मसाला छिड़क दें तो व्यूअर्स, हमारी चाट रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आप अभी तक कुकिंग विद मिंसा पर न्यू हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।